एवरीबॉडी वेलकम बैक। आज हम खेल रहे हैं हाउस स्लीपर 2। फाइनली इसका डेमो वर्जन आ चुका है। अब जब डेमो आ गया है तो फुल वर्जन भी कुछ ही टाइम के अंदर आ जाएगा। और थैंक यू सो मच डेवलपर्स डेमो की की देने के लिए। कुछ महीनों पहले हमने हाउस स्लीपर 1 की सीरीज एंड की थी और तुम लोग को वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। होप जल्दी से हाउस स्लीपर 2 का भी फुल वर्जन आ जाए। अब पता नहीं हाउस स्लीपर 2 के अंदर कौन सी चीज ऐड हुई, क्योंकि 1 के अंदर ही सारी चीजें थी। मतलब हम इलेक्ट्रिशियन थे, हम प्लम्बर थे, साफ सफाई करते थे, झाड़ू पोछा करते थे, घर पुराना खरीद के उसे रेनोवेट करके अच्छे दाम में बेचते थे, मतलब सारी चीजें करते थे। अब जाके चेक करते हैं कि हाउस स्लीपर 2 के अंदर क्या आया है। ऑलराइट, तो हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है और ग्राफिक्स तो कुछ ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं भाई। पहले से तो काफी ज्यादा बढ़िया ग्राफिक्स लग रहे हैं। वैसे किसका कॉल आ रहा है? टॉम मरीनो, पता नहीं कौन है। हेलो हेलो, beautiful isn't it? बाहर से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, अंदर का मेरे को पता नहीं। Knew it. I'm really good at my job, am I not? I'm so happy I can help you out. Have to say, your message was quite a surprise. Okay. Out of all things, you go for house flipping, huh? But there's nothing I wouldn't do for an old friend. हाँ ठीक है, अभी तू जा, अभी मेरे को चेक करने दे, तू अभी निकल। Houses to sell anyway. And I hope that after you're done with this one, I'll make a sweet commission of selling it. After all, who wouldn't okay. want to live in such a wonderful neighborhood? Take care for now. Bye. क्या इसने अभी ये कहा कि हम जो भी घर को रेनोवेट करेंगे वो बेचने का एक स्वीट कमीशन लेगा थोड़ा बहुत? पता नहीं है। अब वैसे अगर आसपास की लोकेशन देखेंगे ना तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से ना मेरे को ऐसा लग रहा है पानी और बीच में आइलैंड के ऊपर ये घर बना हुआ है जिसे अभी रेनोवेट करना है, या पता नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, इतना बड़ा घर है ये, इसको बहुत ज्यादा भी मतलब अपने को काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। टास्क क्या क्या है वैसे? टैब से ओपन करके चेक करते हो तो ये वाली 3 लकड़ी अपने को हटानी है, ये 8 बॉक्सेस है, फिर ये पत्ते, मतलब सारी चीजें अपने को यहाँ पर क्लियर करनी है। उसके बाद में ये स्क्वायर्स लगाने हैं। तो एक काम करता हूँ, जो जो पसारा मेरे को अभी दिख रहा है ना, मैं पहले वो पसारा यहाँ से हटा देता हूँ। बट टूल्स मेरे पास, ओ भाई काफी सारे टूल्स है इसके अंदर। गार्बेज वाला ले लेते हैं और सीधा ट्रैश, वैसे ये कलेक्ट कर सकता हूँ, ये वाले ट्रैश नहीं कलेक्ट कर सकता मैं। चलो जो भी आ रहे हैं ट्रैश वो सारे के सारे कलेक्ट कर लेते हैं। यही करना है सच में भी या फिर और कुछ टास्क है? रुक जाओ, मैं ना अंदर जाकर एक बार चेक करता हूँ ये दरवाजा वो ओपन होगा या नहीं। यहाँ से तो नहीं दिख रहा मेरे को अंदर से कुछ ओपन होगा। ये ऐसे थोड़ा सा अटक अटक के मूवमेंट लग रही है ना। खैर अब डेमो गेम में इसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो अभी शायद से पहले बाहर के सारे बॉक्सेस हटाने, पर इसको हटाकर मैं करूंगा क्या? रखना कहाँ पर है? यहाँ पर रख दूँ साइड में। वैसे यहाँ पर ना एक फ्लिपर टूल है जिससे मैं शायद से चीज़ें, ओ मैं सारी चीज़ें सेल कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेल कर सकता हूँ जो ऐसे एक्स्ट्रा में पड़ी हुई है। ये सेल करके ना इसे क्लियर तो करता हूँ, कम से कम पूरे बोर्ड हटा दूंगा बाद में। ये झूला वगैरह ये बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हटा सकते। चलो ये वाली एक लकड़ी पड़ी हुई थी उसे भी हटा देता हूँ, ये बड़ी वाली। वैसे कैंप फायर के काम में आएगा, यहाँ पर रात में बैठ के हम आराम से कैंप फायर वगैरह वो कर सकते हैं। और कौन सी चीज़ है जो मैं सेल कर सकता हूँ? सिर्फ ये गन निकालना था और सारी की सारी चीज़ें अपने को सेल करनी थी, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर एक्स्ट्रा। सब हम क्लियर करेंगे और अभी इसे हम दोबारा से रेनोवेट करेंगे, क्योंकि अब बारी आ चुकी है झाड़ू पोछा मारने की, मकड़ी के जाल साफ करने की, हर एक चीज की। ये दूसरी वाली पेड़ की लकड़ी दोबारा से चेक कर तो अभी कितनी बची है? अभी सिर्फ एक बची है। मैं पहले बाहर का एरिया पूरी तरीके से क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद में हम अंदर एंटर करेंगे। अभी तो हम अंदर नहीं जा रहे। ओ ये भी, व्हाट, ये चीजें भी हट जाती है इससे। वेरी नाइस, मेरे को लगा नहीं था ये जो प्लांट्स यहाँ पर उग गए थे दीवार के ऊपर ये अपने को ऐसे हटाने पड़ेंगे। खैर बहुत बढ़िया चीज है, मतलब अपने को ट्रैश कलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ये मशीन निकालो, चीजों को स्कैन करो और बेच दे जाओ। और कोई चीज बची हुई है कि सारी की सारी चीजें हमने उठा ली है? अब मेरे को नहीं लगता कुछ बचा हुआ है। बस यहाँ पर नहीं है, कुछ छोटी मोटी चीजें है, ये भी पहले पूरी तरीके से क्लियर कर लेता हूँ। विंडो वगैरह वो बुक को सेल कर सकता हूँ? नहीं, ये जो पसारा एक्स्ट्रा का पड़ा हुआ है ना ये सारा का सारा हटा देता हूँ पहले, ताकि मेरे को काम करने के लिए ना फुल जगह मिल जाए। इधर की भी सारी लकड़ी हटा दो। और कुछ सेल कर सकते हैं? और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या चीज़ बता रही है ये? आसपास का सारा एरिया हो चुका है क्लियर। इसके बाद में अभी मेरे को ट्रैश बैग निकालना है और ये जितना भी पसारा मतलब पड़ा हुआ है इसके अंदर, हाँ ये सारा इसके अंदर डालना है। मैं खामखा इधर उधर फेंक रहा था उसे। और ये जो ब्रश है ना अभी मेरे हाथ में, इससे मेरे को ऐसे लग रहा है शायद से मेरे को ये क्लियर करना पड़ेगा। हाँ
ये सारे जो वॉल के ऊपर पेंटिंग लोगों ने बना कर रख दिए ना, ये मेरे को क्लियर। वैसे जमीन भी साफ हो रही है, इससे जमीन पे मेरे को ऐसा लग रहा था मॉप वगैरह की अपने को जरूरत पड़ेगी, बट ना इसी के अंदर अपना काम हो गया तो चलो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ से गार्बेज बैग निकालता हूँ, ये पूरा पसारा डालते हैं इसके अंदर। ये हट नहीं रहा, वैसे क्या एक गार्बेज बैग के अंदर दूसरा गार्बेज बैग आएगा? नहीं, इसको बारी बारी ना यहाँ पर जाकर फेंकना पड़ेगा। ये आ गया इसके अंदर, चलो वेरी नाइस। कितने दिन के बाद साफ सफाई का काम कर रहे हैं, मतलब 6-7 महीनों के बाद मैं इस गेम का एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ। वैसे 2-3 महीने पहले भी मैंने एक एपिसोड अपलोड किया था, तब DLC हमने खेला था फार्म वाला। मेरे को एक चीज ये चेक करनी, क्या अब ये डोर, अरे वाह ये तो डोर खुलता बंद होता है। मेरे को लगा था तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। दोबारा से ये मशीन निकालता हूँ जितना पसा, अरे नहीं यहाँ पर बेचने वाला सामान नहीं है। पहले बेचने वाला सामान कौन सा है मैं वो चेक करता हूँ, ठीक है? जितना भी बेचने वाला सामान होगा ना, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा बड़ा घर है, ये सच में काफी ज्यादा बड़ा घर है। जितना बड़ा बड़ा सामान है जो बेचने लायक होगा वो सारा का सारा बेच देंगे, ठीक है? अगर कचरा मैं समेटने लग गया ना तो मेरे को कितने घंटे लग जाएंगे सिर्फ ऊपर से नीचे राउंड करने में, ठीक है? जितना कूड़ा कचरा था सारा का सारा हटा दे। यार ये इतनी सारी बुक्स है, ये काम में क्या आएगी मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या जो भी काम में आएगी, अभी फिलहाल में कचरा साफ करो। कितना सारा सामान, अच्छा इधर भी रूम है, मतलब यहाँ से हम ऊपर चढ़े। वैसे ये वाला जो रूम है ना, ये बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रूम है। यहाँ से गैलरी का एक्सेस, गैलरी से सीधा समुंदर, वो भी गहरा गहरा। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा रूम वगैरह समझो, ड्रेसिंग रूम चेंज वगैरह करने के लिए, और ये एक प्यारा सा बाथरूम। बाथरूम में भी खिड़की है, मैं तो नहाते नहाते मतलब टट्टी करते करते समंदर देखेंगे। काश रियल लाइफ में ऐसा एक बार तो मौका मिल जाता कि ऐसी कई खूबसूरत जगह पर बैठ के मैं रिकॉर्डिंग हो जाएगा वो सपना भी पूरा हो जाएगा। अभी फिलहाल में टॉयलेट साफ करते, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, अभी फिलहाल में टॉयलेट साफ करते। और कोई चीज रह गई है यहाँ पर? ऊपर का तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई है तो शुरुआत करते हैं हम कचरा उठाने से, ठीक है? यहाँ से जो कचरा है ये सारा का सारा उठाकर अंदर रख लो, ठीक है? ये फ्लोर हो गया ऑलमोस्ट क्लियर। इधर का कुछ है नहीं, अरे बाहर की गैलरी का तो सामान पड़ा हुआ है ना। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत कचरा उठा लेता हूँ। और कुछ है नहीं, ये बैग रेडी हुआ। ये बैग को एक काम करते हम यहाँ से इधर फेंक देते हैं, ठीक है? बाद में जब नीचे जाएंगे ना तो सारा का सारा सामान उठा के वहीं कूड़े में डाल देंगे। ओके तो गैलरी भी हमारी क्लियर। बस यहाँ की सारी, कितना सारा काम करा रहा है अपने से, ये पैसे भी देना चाहिए इसने अपने को, अब बढ़िया वाले। अगर थोड़े बहुत पैसे देगा ना इसकी कुटाई कर दूंगा मैं, सच बता रहा हूँ। कौन सी चीज़ है जो छूट रही है? क्या ऊपर की लाइट? नहीं, लाइट वगैरह वो नहीं करना ना। अभी घर की कंडीशन तुमने देख ली, बट अभी ये जैसे ही रेनोवेट हो जाएगा एकदम बढ़िया वाला, उसके बाद में और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इधर कुछ नहीं करना, कि यहाँ का पसारा वगैरह वो नहीं उठाना है, ये सारी चीज़ें रहने देनी है। न्यूज़पेपर नहीं चाहिए, ठीक है? ये न्यूज़पेपर भी रहने देना है। और क्या चीज़ें ऐसी जो हम नीचे फेंक सकते हैं? और तो मेरे को नहीं लगता यहाँ पर कुछ होगा। अच्छा, इससे मैं स्कैन करके पता लगा सकता हूँ कि मैं और कौन सी चीज़ें सेल कर सकता हूँ। ओ ये तो मेरे को जस्ट अभी पता लगा। देखो अगर मैं दोबारा से स्कैन करूंगा, वैसे अब कुछ स्कैन करने के लिए है नहीं यहाँ से। अगर हाँ देखो, ये सारा का सारा ना बेचने लायक सामान है, इसीलिए यहाँ से हट नहीं रहा था। देखा, ये पूरा सेल करने के लिए है। चलो तुम भी निकलो। और कुछ है यहाँ पर? ये टॉल वगैरह। यार मेरे को कितना सारा सामान यहाँ पर लगाना भी पड़ेगा, पूरा सामान फिट करना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स? और कुछ तो नहीं है। दोबारा से स्कैन कर तो एक बार। हाँ यहाँ की लकड़ी है जो छुपी हुई थी ना, ये लकड़ी अब दिख गई। उसके अलावा शुरुआत करते हैं अब हम गैलरी से। वैसे मॉब अगर लूँगा तो मॉब में सारे के सारे पत्ते आ जाएंगे, ठीक है? ये सारे के सारे पत्ते इसके अंदर आ गए, बट जो फर्श है वो इससे क्लियर नहीं होगी। सिर्फ मैं पत्ते वगैरह वो हटा सकता हूँ। ये सारे पत्ते क्लियर। अब मेरे को ये अपना कॉलिन और कपड़ा निकालना है जिससे मैं ज़मीन को, वैसे एक जगह की ज़मीन साफ कर रहा हूँ ना, आसपास का माहौल क्लियर हो जा रहा है, मतलब आसपास की जगह क्लियर हो जा रही है। खैर अब दीवार का करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, ये इसको तोड़ना पड़ेगा, ये जो खिड़की है इसको तोड़ना पड़ेगा।
क्या ये वाली जगह को साफ करने के लिए मेरे को कुछ और खतरनाक टूल की जरूरत है? आई गेस ना, बट ये वाले ब्रश से तो ये साफ सफाई हो ही नहीं रही। और सच में कपड़ा देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब अंदर की दीवार ये है, ऐसा कौन सा कलर है जो गीले कपड़े से साफ हो रहा है? हमारे यहाँ पे अगर गीले कपड़े से दीवार साफ करेंगे तो दीवार ही साफ हो जाएगी, तो कलर ही नहीं बचेगा, वहां पर सीधा ईंटें दिखने लग जाएगी भाई। चलो ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है साफ सफाई, मतलब वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये कपड़े वाला फीचर पहले नहीं था, अब कपड़े वाला फीचर भी आ गया है। देखो एक जगह हम साफ कर रहे हैं, आसपास का ना कुछ रेडियस के अंदर वो पूरा का पूरा क्लियर कर रहा है। पहले कैसा था हमारा घर और अब कैसे हो गया, अब तो बिल्कुल एकदम ऐसे साफ हो गया। यहाँ मेरे को चीजें भी खरीदनी पड़ेगी, देखना विंडो के ऊपर भी अपने को साफ कर रहा है ना। हाँ पहले जमीन में एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, वरना हम हमेशा ऐसा करते हैं कि अब एक साथ पूरा काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद में अपने को खुद समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। ऑलमोस्ट मैंने ना, अरे भाई 3 स्टार अपने को मिलने थे जिसमें से अभी 1 स्टार भी नहीं मिला है। सोचो यहाँ पर अभी कितना काम पड़ा हुआ है, यहाँ पर 1 स्टार की बस शुरुआत हुई है। अरे ऊपर ऊपर सब जगह नजर रखनी है भाई, मैं तो भूल जा रहा हूँ, यहाँ मैं जमीन ही देख रहा हूँ। ये हर एक एक रूम के अंदर ना जा के अपने को एकदम ऐसे चारों तरफ निगाहें घुमाकर चेक करना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आ जाएगा। इधर का तो कहा की घंटी बची, इतनी डरावनी झांकी भी बजी हो। हम नहीं डरते भूत प्रेत से, भूत प्रेत हमसे डरते हैं, समझे? इधर की चलो अब कांच साफ करने लग जाते हैं। कांच के बाहर से साफ करनी पड़ेगी। हाँ कांच बाहर से ही साफ करनी पड़ेगी, यहाँ से तो ये, अरे वाह ये सबसे बढ़िया काम मिला है, ये मॉप से ना कांच साफ। साउंड भी पूरा का पूरा चेंज हो गया, पहले साउंड अलग था, पहले मॉप का साउंड अलग था, पहले वो ऐसे खींचने की वो उसकी आवाज आती थी, बट अब देख रहे हो अब रियलिस्टिक वाली आवाज आ रही है, पहले ऐसे चुपती थी उसकी आवाज। ये हो गई कांच क्लियर। यहाँ पर भी मेरे को नहीं, यहाँ पर स्टेंस साफ करने की जरूरत है। हाँ अब होगा ना, इधर से ऐसे क्लियर होगा, उससे साफ नहीं करना था अपने को, नजदीक आके बस इससे ये मॉप से साफ कर रहा है। क्या साफ हो रही है भाई, फुल एकदम ऐसे स्किल्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को भी अपने घर साफ सफाई करानी है, ज्यादा बड़ी फीस नहीं है मेरी, बहुत छोटी सी फीस लेता हूँ, 5-10 लाख रुपए, मैं पूरा घर साफ करके दे दूंगा, ठीक है? जेब भी साफ कर दूंगा। चलो पूरी ऊपर नीचे आगे पीछे सारी दीवारें क्लियर। अभी तो ये एक रूम हुआ है, ये अभी जस्ट एक ही रूम हुआ है, जमीन और छत का काम हुआ है। अभी नीचे के फ्लोर पर जाना है, फिर बाहर का कुछ कितनी सारी चीजें होगी वो देखना है। स्टेंस यहाँ पर ना टोटल 9 है, अभी भी 7 स्टेंस बचे हुए हैं स्टेंस जो अपने को साफ करने, ठीक है? जिसमें से अब सिर्फ और सिर्फ 4 बचे हुए, 4 कौन से है? चलो ये एक दिख गया यहाँ पे, वैसे एक नहीं 2 है यहाँ पर, अब तो कुछ बचता ही नहीं। हर एक रूम के अंदर जाएंगे ना तो सारी चीजें अपने को पहले ही शो हो जाएगी। अभी 3 बचे हुए है, 3 मेरे को देखना। हाँ ये रहे ना, इसको करेंगे साफ, ठीक है? अब कुछ बचा हुआ है आई गेस, मेरे को नहीं लगता और कुछ बचा हुआ होगा, नहीं अभी भी 3 बचे हुए बता तो रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जो मुझसे छूट गई है? आई गेस ये जो कचरा पड़ा हुआ है ना, शायद से ये हो सकता है। हाँ आई गेस ये हो सकता है, श्योर न्यू। अभी तो कचरा उठाने के बाद में पता लगेगा अपने को क्या यही था या नहीं है। हाँ यही था, यही था, बस ये जमीन के ऊपर का कचरा साफ करना है, वैक्यूम से उठाना है, टूटी हुई कांच वगैरह वो है। और यहाँ का हमने पूरा 100% काम कर दिया है, बस ये वैक्यूम से डर्ट उठा लेते हैं इधर की। और इधर ना कुछ सेल करना था, मतलब ये रह गया था और सेल में और कुछ। हाँ भाई ये कॉर्नर में बॉटल रखी थी, अभी भी कुछ बचा हुआ है जो सेल करना है, हैं? अभी कौन सी ऐसी चीज़ छूट रही है जो बची हुई सेल करने के लिए? ये ओपन करके भी मैंने चेक कर लिया, यहाँ तो कुछ है नहीं, 6 आइटम। और अब भाई इधर अभी पहले साफ सफाई का काम करने दो, उसके बाद मैं आइटम वगैरह वो बाय करूँगा, अभी कुछ नहीं कर रहा मैं। यहाँ 28 आइटम बाय करने हैं, पहला टास्क बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दे दिया इसने। खैर अभी इधर का तो पूरा हो गया ना डन, अब चलो सीढ़ी से उतरते हैं। अब उतरते उतरते झाड़ू पोछा करते करते जाएंगे, अभी हमारी स्किल्स भी उतनी ज़्यादा अपग्रेड नहीं है ना,
जिसकी वजह से ये हो रहा है। मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है साफ सफाई वगैरह वो करने के लिए, वरना तुम्हें पता है कितना गोली साफ सफाई करता हूँ मैं, सारी दीवारें यहाँ की क्लियर, एक एक करने से कितना ज्यादा फायदा होता है। वरना सारी चीजें एक साथ में कर लो ना तो फिर कंफ्यूज हो जाता है बंदा खुद। ऊपर का तो पूरा 100% क्लियर हो गया, अभी सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने का काम है, ठीक है, अभी सिर्फ सामान बेचने का काम है। जितना कूड़ा कचरा है सारा आ जाओ जेब के अंदर, ठीक है, के बाद में यहाँ के भी सामान सारे के सारे सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। और कुछ है बचा हुआ? आई गेस और अंदर का थोड़ा बहुत होगा। इधर की तो हालत कितनी ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब हालत है। अरे अंदर और कितने रूम है भाई? अरे भाई साहब, और अच्छा यहाँ पर तो ये तो वॉशिंग एरिया है, यहाँ इतना ज्यादा सामान वगैरह वो नहीं है, यहाँ थोड़ा बहुत ही है। अब एक काम करता हूँ मैं, ये गार्बेज बैग को रहने देता हूँ, सेल आइटम से ना पहले ये एरिया क्लियर कर देता हूँ ताकि मेरे को काम करने के लिए ना थोड़ी सी जगह मिल जाए। अभी काम करने के लिए कुछ जगह ही नहीं है, सब मुंह के सामने खड़े हुए हैं। सारा का सारा सामान सेल कर दो, इतनी दीवारें साफ करनी है, थोड़ा सा दरवाजा खोल देते हो ताकि फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह वो आए, एकदम पैक पैक लग रहा है ना। ये कर लिया मैंने पूरा तकरीबन एरिया क्लियर, ठीक है, जो बच गया होगा उसको स्कैन करके हम बेच देंगे। और ये तो बुक्स वगैरह जो नहीं बिक रही है ना, ये अपने को वो करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सारा सामान तो मैंने सेल कर दिया, बस ये किचन की कुछ आइटम बची हुई है, ये भी कर देते हैं पूरी तरीके से क्लियर। ये लैंप भी बेचना है क्या? ये लैंप बेचना है? नहीं, ये वाली लाइट रहने देना है। कितना सारा सामान है और कितना सारा काम है, डे वन पे ही हमारी कुटाई करा रहा है ये। थोड़ी देर भी हमारा मालिक हमें आराम नहीं करने देता, इतना सारा काम कराता और पैसे बहुत थोड़े से देता। वैसे अभी ये क्लाइंट का बजट भी थोड़ा सा कम है, तो अपने को ना हर एक चीज़ थोड़ी सी देख के करनी पड़ेगी, वरना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ये कर दिया हमने अंदर का सारा सामान सेल। अब बचा है यहाँ का कुछ सामान, क्या इसे बेचना है? हाँ इसे बेचना है, ये भी बेचना है, और ये चप्पल भी बेचना। चप्पल बेच रहे भाई, चप्पल बताओ, एनीथिंग एल्स? इधर की ये मतलब ये भी सेल करना है, ये भी सेल करना है। अरे भाई साहब कितना सारा सामान सेल करना है, हर एक चीज तो हमारे से सेल करवा रहा है। अब पहले अंदर का काम स्टार्ट करने से पहले बाहर का पूरा ए टू जेड क्लियर करेंगे, ठीक है। बाहर अभी भी 9 आइटम पड़ी हुई है जिसे सेल करना बाकी है। अरे हाँ, ये चुटपुट सी लकड़ी वगैरह ये जो पड़ी हुई है ना, इसको अपने को सेल करना है। और है कुछ ऐसे खतरनाक? नहीं ना, ये बोर्ड है, चल तू भी निकल ले और तू भी निकल ले बाहर। तो ये मेरा सामान है जो पड़ा हुआ है। एनीथिंग एल्स? एंट्रेंस तो ऐसे ही रहने देना है, बिल्कुल खूबसूरत सी। अभी सिर्फ एक लकड़ी या फिर एक कुछ तो पड़ा, हाँ ये सीमेंट बैग है ना, और कुछ है? और मेरे को नहीं लगता और कुछ अब बचा होगा। सारा सामान तो हमने एकदम खतरनाक सेल कर दिया। अब शुरुआत करते हैं हम इस वाली वॉल से, ठीक है। यार ये वाली वॉल कुछ मतलब बड़ी नहीं है ज़्यादा बड़ी, वहाँ तक तो मैं पहुँच भी नहीं रहा। अच्छा सिर्फ मैं कपड़े से पहुँच रहा हूँ, मैं ऐसे स्प्रे मार के कपड़ा मारूँगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अबे भाई ये तो मेरे को पता ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना बहुत सारा पेंट लगा हुआ है, ठीक है, मतलब ये जैसे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ये तो नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है इसीलिए फटाफट से साफ हो रहा है। अगर मैं ये वाली दीवार बताऊंगा ऐसे करूंगा ना तो धीरे धीरे हो रहा है, बट जैसे ही स्प्रे मारूंगा खत्म। एक स्प्रे मारा फुसुक करके सारा सामान मतलब सारा एरिया क्लियर हो जाएगा। हटो आप, गोली जैसे काम होगा ना चीजों के बारे में। अभी इतने टाइम के बाद में हम साफ सफाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब हाथ साफ नहीं है, धीरे धीरे हाथ साफ हो जाएगा। एक एक स्प्रे मारना है पुसु पुसु करके और ये पूरा क्लियर। देखो अब दीवार ऐसे मेरे को बार बार घचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अनलिमिटेड स्प्रे आएगा हमारे पास में, या फिर थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा स्प्रे के ऊपर हर कंस्ट्रक्शन के उसमें, मतलब रेनोवेशन के उसमें। एनीथिंग एल्स? और कुछ हमसे छूट रहा? ये शाइनिंग स्टोन क्या है वैसे? पता नहीं कुछ तो होगा। और अंदर कुछ है? अंदर का तो, अरे यार इधर का मैंने सामान सेल ही नहीं किया, व्हाट? ये पूरा सामान बेच देता हूँ पहले, इधर का तो क्लियर किया ही नहीं मैंने एरिया। और अरे 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 भाई साहब कितना सारा सामान पड़ा हुआ है, इसको मैं वैसे स्कैन अगर करूँगा तो इतना सारा सामान यहाँ पर सेल करना है। फटाफट से एक बार स्कैन करो, सारा का सारा माल बेच दो। साबुन भी बेच दिया मैं तो इसकी। और कुछ है? जार वगैरह वो, ये बस कॉलिन की बोतलें है, एसिड वगैरह वो रखा हुआ था। एनीथिंग एल्स? मेरे को नहीं लगता और यहाँ पर कुछ अपने को अलग से करना पड़ेगा, बस ये वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है, वो भी जमीन के ऊपर, ठीक है।
ये कांच पड़ी हुई है क्योंकि, और हमारा एक स्टार जस्ट अभी कंप्लीट होने पर ही है, आधे से ज्यादा तो हमारा स्टार कंप्लीट हो चुका है। अच्छा ये सिर्फ कूड़ा था पड़ा हुआ, ये मेरे को बस उठाना था। अरे यार फर्श भी मेरे को वो करनी पड़ेगी इधर से पहले, कार्डबोर्ड वगैरह वो ईंट के टुकड़े कुछ पड़े हुए है यहाँ पर। अरे यहाँ का फ्लोर ही मैंने साफ नहीं किया ना अभी। हाँ फ्लोर हमने साफ नहीं किया। इधर साइड में यार कुछ छूट गया क्या मेरे से? नहीं यहाँ की जमीन है बस पड़ी हुई, बाकी मेरे को नहीं लगता। हाँ ये कांच है जो अभी अपने को क्लियर करनी है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये बाहर से अपने को साफ करनी पड़ेगी, यहाँ से तो हो नहीं रही। पहले बैग उठा के आते हैं, मतलब यहाँ पर फेंक के आते हैं, ठीक है। ये एक बैग था, ये एक बैग था, ये वाला कूड़ेदान इसको भी ऐसे बाजू में रख लेता हूँ ना, इसको भी ओपन कर लेते, कुछ और अलग टाइप का वेस्ट डाल देंगे उसके अंदर। अभी हमारे पास में टोटल पैसे अगर चेक करेंगे ना तो 69,512 डॉलर्स हो गए, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट है। मुझसे ये जगह कैसे छूट गई थी? अभी भी कुछ रह गया क्या यहाँ पर? और तो मेरे को नहीं लगता, ये तो जमीन कहाँ से साफ करूंगा। अभी बाहर से एक बार नज़र घुमाते हैं, अभी तक तो सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया लग रही है। इधर की वॉल मैंने क्लियर कर लिया, अंदर की दीवारें मैंने क्लियर कर लिया। हाँ यहाँ पर कुछ है ना ये पड़ा हुआ, इसको भी क्लियर कर लेते। यार स्प्रे मारने के साथ में भाई एक ही झटके में पूरा क्लियर हो रहा है। और तो मेरे को नहीं लगता कुछ चीज़ें है जो छूट रही है बस यहाँ पर ना। हमें बाहर से ये कांच को साफ नहीं करना है क्या? पता नहीं करना भी हो या नहीं। इधर की, हाँ इधर की विंडो को भी साफ नहीं करना। इधर 5 आइटम बाय कर रहे हैं। हाँ यहाँ का फ्लोर रह गया था, ये लो ये पूरा का पूरा फ्लोर क्लियर। कुछ चीजें है जो छुपी हुई है, अब दिख नहीं रही वो क्या चीज छूट रही है ऊपर से नीचे तो मैंने देखकर आ गया। हाँ ये है ना, ये लो इधर का और क्लियर। ऐसे 6 और है नहीं विंडो। अच्छा ये टूल लेंगे, इससे विंडो साफ करना है। मैं अलग टूल से विंडो, मैं हैंड टूल से विंडो चेक कर रहा था, हैंड टूल से तो उसको करना ही नहीं था। ये कॉलिन और कपड़ा लेना है, उसके बाद में मॉप से ऐसे सेटिस्फेक्शन के साथ में सारी विंडो क्लियर करना है। मैं साफ सफाई में कितना बढ़िया हूँ ना, हर एक चीज कितनी, मतलब अब इतने सारे घर मैंने रेनोवेट किया हूँ तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गए भाई। कितने घर को तो हमने पूरा फ्रॉम स्क्रैच खरीद के रेनोवेट करके तगड़े प्राइस में बेचा है। एक बार तो एक घर के अंदर मैं बाथरूम बनाना भूल गया था और बगैर बाथरूम के मैंने घर 80-90 हज़ार डॉलर में बेच दिया था। स्किल्स बोलते हैं, स्किल्स मैटर करते हैं, यू नो स्किल्स। पूरी कांच है फुल क्लियर, पूरे गेम में मेरे को सिर्फ कांच साफ करने में मजा आता है। ऐसे जो शाइन होती है ना, वैसे सुबह से लेकर रात हो चुकी है, मेरे को ऐसे लग रहा है ना। सोचो अगर हम यहाँ पर रहते हैं और ठीक पानी के अंदर एक मेगलोडॉन है जो अपने बीच के आसपास में घूम रही है। मेगलोडॉन इतनी ज्यादा बड़ी होती है, वो तो आके घर के साथ में अपने को खा के जाएगी। यार ये कांच कैसी क्या छूट गई, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो मैंने अभी तो उठा के गया हूँ ना जस्ट, ये कैसे क्या छूट गई थी। चलो क्लियर कर लियो बाय द वे। और कुछ नहीं, बस यहाँ पर ये कूड़ेदान है, मतलब ये बस थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है, अब कुछ नहीं है, अब सब क्लियर हो गया। तू भी चल जा यहाँ पर। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चेक करते कि यहाँ पर अभी अपने को वैसे एक सेल करने की रह गई लकड़ी। ये ना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, ये अपने को यहाँ तो सारी चीजें क्लियर है, बस ये कुछ लकड़ी सेल करनी है जो कि कहीं तो लगी हुई है और मेरे को दिख नहीं रही है। चलो सीन नहीं है, वो तो कर लेंगे अंदर ना, फटाफट से जाते। और टाइल्स अपने को अभी कौन सी वाली चाहिए? ये नेचुरल वुड, ठीक है, इसको बाय करना है और इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। रुक जाओ, इसको यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है ना। अब इसको करना है यूज, इसको बिछाओ कैसा। हाँ मेरे को टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, तब जाके तो पहले ये निकालना पड़ेगा। क्या ही मजदूर बनूंगा बताओ, ये एक नया टूल ऐड हो गया है। इसका अगर साथ में साउंड होता ना तो ज्यादा मजेदार चीज होती, मतलब विदाउट साउंड ना ऐसे लग नहीं रहा कि हम कुछ कर रहे हैं, साउंड के साथ में निकलता तो वो ज्यादा अच्छा था। चलो ये वाला एरिया की पूरी टाइल्स निकाल दिया हूं। अब ये थोड़ी कुछ न्यू चीजें ऐड हुई है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ से बस अभी अपने को टाइल्स उठाना है और इधर प्लेस करते जाना है। मेरे को एक चीज ये चेक करनी है क्या पूरे, अगर मैं सिलेक्ट करके अगर करूंगा तो वैसा होगा नहीं क्या? सिलेक्ट करके करता तो ज्यादा बढ़िया होता। अभी मेरे को और शायद से ना ऐसा लग रहा है और काफी सारी ना टाइल्स ऐसे परचेस करनी पड़ेगी। खैर फटाफट से फिटिंग करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ की गलती से दीवार तोड़ दिया, वैसे दीवार तो वो टूटने वाली थी, उसे तोड़कर अपने को यहाँ पर दूसरी वाली दीवार जो बनानी थी। यार एक ही टाइल्स के अंदर, मतलब एक ब्लॉक का सेट खरीदा हूँ मैंने
और कितने ज्यादा स्पीड से काम हो रहा है। बस परचेस करके उसे कहीं पर भी एक जगह प्लेस कर देना है, यहाँ का होगा टाइल्स का काम, अब बचा ये वाला एरिया, ठीक है। बट अभी मेरे को ना ये टूल लेकर ये सारी की सारी टाइल्स यहाँ से पहले निकालनी है, पहले पूरी बोर्ड। यार मैं सिलेक्ट करके करता ना वो ज्यादा बढ़िया था, वो सिलेक्ट का फीचर अभी दिखा बट पता नहीं अभी तुरंत ही कहाँ गायब हो गया। डेवलपर्स प्लीज एक साथ सिलेक्ट करके चीजें करने के लिए कुछ ऐड कर दे यार, बस बारी बारी टाइल सिलेक्ट करना है और प्लेस करते जाना है। ऐसे भी स्पीड से हो रहा है बट अगर कुछ कुछ एरिया जैसे हम सिलेक्ट करके उसे मार्क करके डायरेक्ट वहां पर बिठा देंगे ना तो उससे और ज्यादा स्पीड में काम होगा। मतलब ये जो छोटा मोटा टाइम जा रहा है ना ये टाइम बच जाएगा। ये बेस का काम मैं पहले कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर जब फर्नीचर आ जाएगा तो अपने को जगह नहीं बचेगी कोई भी चीज करने के लिए। वैक्यूम से यार ये कुछ चीजें रह गई थी। आ जाओ, पूरा घर मेरे को बिल्कुल ऐसे नीट एंड टाइडी दिखना चाहिए और लगना भी चाहिए, कोई कूड़ा कचरा यहाँ पर नहीं रहेगा। अब दीवार तोड़ने की बारी, पता नहीं कौन सी दीवारें तोड़नी है। चल निकल ले, पूरा तोड़ के आ, ये तो उसमें भी आया था मेरे को पता है, ये पूरा सिलेक्ट करके हम एक साथ तोड़ सकते हैं। चलो निकलो, पूरा एरिया क्लियर। यार अभी कितना कूड़ा कचरा हो गया जो मेरे को अभी फेंकना पड़ेगा उठा उठा के यार। चलो इजी पीजी क्लियर बॉय। यहाँ की अब टाइल्स की अपने को जरूरत पड़ेगी ना। मेरे को और कुछ डेमोलिश करना है क्या? नहीं, यहाँ पर मेरे को नई दीवार बनानी पड़ेगी। इधर कुछ तोड़ना है ना? इधर कुछ नहीं तोड़ना। बाथरूम में ये वाली टाइल्स आएगी ना? हाँ, बाथरूम में ये वाली टाइल्स आएगी। इसको मैं इधर रख देता हूँ, वैसे यूज करके देखेंगे। वैसे ये वाली भी टाइल्स मेरे को सारी निकालनी पड़ेगी पहले। शायद से ये स्क्वायर है आई गेस, मैं इसको होल्ड करके पूरा मतलब ऐसे सिलेक्ट करके नहीं, हाँ अरे भाई है ये फीचर देखा, बट एक साथ नहीं निकल रही। इसके आगे पीछे की टाइल्स नहीं निकलेगी, इससे पहले आगे पीछे की टाइल्स निकल जा रही थी। जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया हूँ ना, अब इतने एरिया की ही टाइल्स निकलेगी, बाकी एरिया की टाइल्स नहीं निकलेगी। चलो पूरी की पूरी टाइल्स निकल गई। अब इसे लेते हैं और प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। बारी बारी जाना पड़ेगा। हाउस स्लीपर वन के अंदर ना मेरे ख्याल से शायद से ये टाइल्स जब हम बिठाते थे ना तो आवाज वगैरह आती थी, बट अभी तो ये डेमो है, डेमो से इतना क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ टाइम में आ जाएगा भाई। ऑल सेट, अब बचा है यहाँ का। चलो पूरा हो गया यहाँ का डन। अब अपने को क्या चाहिए? यहाँ पर एक ओवन चाहिए ना, ये एक ओवन यही वाला बाय कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कैसे प्लेस करूँ? ओवन को इधर कॉर्नर में रख देंगे, ठीक है। एक ओवन आ गया, उसके बाद दो कैबिनेट और चाहिए, ठीक है। ये दो कैबिनेट ऐसे तो नहीं आएंगे, एक काम करता हूँ कैबिनेट को मैं लगाता हूँ इधर से, ठीक है। वैसे किचन वाला कैबिनेट तो मेरे को यार थोड़ा सा शक हो रहा है, अगर कुछ रहा तो फिर चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद हैंगिंग कैबिनेट, हाँ ये हैंगिंग वाले, तुम ज़्यादा ऊपर हो जाएगा ये नहीं, बट नीचे ही वो है ना, तुम ऐसे आ जाओ, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ब्लेंडर चाहिए होगा, एले ब्लेंडर इसके ऊपर रख देता हूँ। और अब की बार ना मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर दिया है लोग ने ये रेडिएटर। वैसे रेडिएटर ने अभी ये वाली दीवार का भी तो काम स्टार्ट होगा, जो जो किचन का आइटम था वो सारा का सारा ले लिया, बस ये माइक्रोवेव बचा हुआ है। माइक्रोवेव को हम इधर से रख देते हैं, इधर शायद से न्यू वाली वो आएगी दीवार। माइक्रोवेव भी आ गया। अब और क्या है? एक फ्रिज है ना, फ्रिज हमसे छूट गया था, ये लो बड़ा सा फ्रिज इधर चिपका कर। और अभी भी जगह बची हुई है। टोस्टर नहीं लिया ना हमने? हाँ टोस्टर नहीं लिया, टोस्टर भी आ जाए यहाँ से। हमारे पास में ब्लेंडर हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, ये बड़ा वाला ओवन, फ्रिज, ये जमीन वाले कैबिनेट, ये हवा वाले कैबिनेट, ये ड्राइंग रैक मेरे को नहीं लगता यहाँ की होगी। ये स्टोव भी तो चाहिए, ये स्टोव तो लिया ही नहीं मैंने, ये स्टोव इधर से आ जाएगा, ठीक है। स्टो का भी कंप्लीट हो गया। अब किचन का सामान, यार ये डिश वॉशर है, डिश वॉशर तो डिश वॉशर लगाया नहीं था मैंने, व्हाट डिश वॉशर, तो एक मिनट इधर रुक, मैं ये फ्रिज को ना इधर से लेता हूँ, ठीक है। डिश वॉशर को इधर लगाता हूँ और फ्रिज को अब लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अजीब सा डिश वॉशर नहीं है, इसमें तो छेद ही नहीं है, प्लेटें हम धोएंगे कहाँ पर? अब जो जो टास्क ये बोल रहा है मैं करता जा रहा हूँ। अब बारी है इस बड़े से हॉल की, बट एक बार चेक करता हूँ क्या मेरे को इसे निकालना पड़ेगा। आई गेस यस, दीवार की भी मेरे को टाइल्स वगैरह वो निकालनी पड़ेगी सारी की सारी, नो प्रॉब्लम, आप भी टिक करके देता हूँ। नीचे की टाइल्स क्लियर, ऊपर की दीवार का भी कुछ आ रहा है भाई, दीवार भी करना है,
कोई बात नहीं, ये कर लिया सिलेक्ट, इसे भी कर दे दो फटाक से क्लियर। वैसे अगर मेरे को दीवार का सिर्फ पेंट भी हटाना है ना, तो मेरे को बार बार माउस मूव करने की जरूरत नहीं, मैं WASD से ही चीजें कर लूं। ये बड़ी सही चीज की है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इतनी बड़ी दीवार को अगर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ से सेंटर में खड़े रहकर ब्रश को स्टार्ट करूंगा, तो सिर्फ कीबोर्ड मेरे को घुमाना है, बटन प्रेस करना है, और ये खुद ऑटोमेटिक एकदम परफेक्ट चलता रहेगा। चलो पूरी दीवार हो गई है क्लियर, अब क्या करना है, अब कलर करना है। वैसे कलर में भी ब्रश का साइज छोटा बड़ा होता है यार, कितनी सारी और कितनी ज्यादा बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आई है। कलर कौन सा लगेगा वैसे यहाँ पर? ये वाला ब्लू कलर चाहिए ना, रुक जाओ इसको रख देता हूँ यहाँ पर। एक बकेट काफी होगी, यस एक सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। ये लगा दिया कलर, इसमें भी मैं सारा सिलेक्ट करके एक साथ कर सकता हूँ या नहीं? चलो इतनी दीवार तो अभी सिलेक्ट हुई है, यस एक साथ कलर कर लो या बड़ा बड़ा कलर एकदम एक साथ में। और अगर नॉर्मली ऐसे करेंगे विदाउट सिलेक्ट तो भी सही है, कुछ सीन नहीं है। फटाफट से सारी की सारी दीवारें एकदम ऐसे बिल्कुल इजी पीजी हो गई, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये वाली दीवार तो ऐसे क्लियर हो जाएगी भाई, ऐसे जाना है एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर, खत्म। अभी इधर दीवार भी फिट करनी है, दीवार भी कहाँ से लाऊं अब मैं? चलो पूरा पेंट का काम इस रूम का तो कंप्लीट हो गया है, सीलिंग को भी व्हाइट कलर करना है। चलो ठीक है, सीलिंग भी व्हाइट कलर कर देंगे पूरी की पूरी। एक ही बकेट के अंदर कितना कलर हो रहा है। वैसे नीचे का कलर व्हाइट कलर से ब्लू कलर में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो गया, ऊपर का तो अभी फिलहाल में व्हाइट ही है। और अभी मैंने गलती से यहाँ जमीन पर कलर कर दिया, खैर खैर खैर। चलो अभी पूरा यहाँ का क्लियर हो गया, बाथरूम बचा हुआ है, ये वाला रूम बचा हुआ है, बाहर का बचा हुआ है, फिर ऊपर का पूरा कंप्लीट रूम बचा हुआ है। इतनी सारी चीजें अभी करने के लिए बची हुई है। अभी तो हमने सिर्फ तोड़फोड़ का काम किया, साफ सफाई की, यहाँ से सामान वहाँ रख, ये सारी चीजें की है, उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया। खैर हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पर, इन्जॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना अपडेट्स के लिए, भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सारी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक जरूर करना। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।